कभी खुशी। और एक गुल्ली देगा। देगा तो दूंगा भाई। oh, no. पागल है क्या? एक बीड़ी के लिए दूंगा। हाँ भाई, कहाँ है तू? भाई बंदी से मिलने आया था। तो मिल लिया? नहीं यार, फोन नहीं उठा रही भाई, घर आ रहा हूँ अब। अच्छा, बीड़ी पिएगा? क्या बात कर रहे हो भाई? भाई पूरे लॉकडाउन में एक एक सुट्टे को तरस गया हूँ। रूम के नीचे एक बंदा बीड़ी के लिए कह रहा था, लेता ही हो। हाँ भाई आ रहा हूँ अभी 5 मिनट में। म्यूजिक। इतना टाइम क्यों लगा दिया बे? अरे तेरी चाल को क्या हो गया? काफी दुख रहा होगा ना? क्या मतलब? वो मेरा मतलब है कि तेरी बंदी ने फोन नहीं उठाया ना, तो दुख रहा होगा। हाँ भाई, तूने इस बीड़ी को लाने के लिए क्या कुछ नहीं सहा होगा ना? तू दोस्त नहीं, खुदा है खुदा। भाई खुदा नहीं, चुप। देकर आ रहे ना? कुछ नहीं, तू बीड़ी पी। A few moments later. भाई सुन तो लो। क्या हो गया भाई? यार बंदी को पता नहीं क्या हो गया, ना फोन कर रही है ना मैसेज कर रही है। अच्छा तो तू इसलिए सड़ा पड़ा है? एक काम कर, मुझे मैसेज कर, टाइम से रिप्लाई मिलेंगे तुझे। oh, no! भाई यार मजाक क्यों कर रहे हो, यहाँ फटी पड़ी है। सच में क्या? फिर तो तू गलत एड्रेस पा गया, मोची दो गली छोड़ कर रहता है, वहां जा। भाई यार तुम्हें मदद करनी है कि नहीं करनी बताओ। ओके लेट्स ट्राई। तू फोन निकाल। निकाल लिए। टाइप कर। क्या सोचने तो दे। अच्छा लिख लिख माय डियर। हाँ सोना बाबू लसन। भाई ये लिखना है? अरे मेरा मतलब है जो तू प्यार से बोलता है ना वो लिख। लिख दिया। आगे बोल लूंगी। जब से तुमने मैसेज करना बंद किया है, ना रातों को नींद आती ना सुबह को पॉटी। हाँ? सच में भाई नहीं आती, आपको कैसे पता चला? तू सारे लिखने लिख पहले बोल जाऊंगा। जब से तुमने मैसेज करने बंद किए हैं, तब से ना रातों को नींद आती ना सुबह को पॉटी, और तू ना खाता तो हो रही मोटी। अरे थोड़े प्यारे मैसेज हमें भी कर दे ताकि खुल के हो जाए हमारी पॉटी। भाई इससे रिप्लाई करेगी क्या वो? अपनी मोटी सुनते ही रिप्लाई करेगी। भेज दिया। शाबाश। भाई आजकल तो तुम भी भाभी से बात नहीं कर रहे हो, कर लिया करो। नंबर दे दे यार, कर लूंगा भाभी से बात। अरे मेरा मतलब था अपने दीप से बात क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ? मुझे तो लग रहा है टीचरों को जितनी सैलरी पूरे साल नहीं मिली ना, इस लॉकडाउन में मिल गई। इतना असाइनमेंट कौन देता है? बच्चे कोरोना से मरे ना मरे, असाइनमेंट कर करके जरूर मर जाएंगे। इसका आपके बात ना करने से क्या मतलब? कितना भोला है रे तू। अरे बताओ ना यार, जब तक रिप्लाई आता है टाइम पास हो जाएगा। अबे साले, वो भी असाइनमेंट ही बना रही है इसलिए बात नहीं हो रही। भाई कहीं ऐसा तो नहीं है उसको कोई और मिल गया हो और तुम्हें असाइनमेंट का बहाना दे रही हो? साले ज्यादा मंत्र ना माने, ठीक है ना? अपनी बंदी पे फोकस कर ले, मुझे पूरा भरोसा अपनी बंदी पे, वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। अगर सच में उसे कोई मिल गया होगा तो नहीं। मैं नहीं रो रहा यार,
कहाँ रो रहा हूँ? मुझे दोबारा रो देगा। नहीं रो रहा मैं यार। अरे यार भाई, तेरा मैसेज आया तू से देख। क्या हो गया तुझे? ब्रेकअप कर लेंगे अपने? वैसे क्या मैसेज है दिखा मेरे को। नो 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 मेरी वाली तो पार को भी पार बोल दी। गूगल सीधा गूगल। सब आपने ही किया, पोटी मोटी पता नहीं क्या क्या। साला अभी तक तो तू रो रहा था कि तेरे को मैसेज नहीं करते, अब मैसेज करते तो चिढ़ रहा है। भाई आपने अच्छा नहीं किया। अच्छा सुन ना, अपनी कंपनी की बात नहीं मानी, काले में थोड़ा सा ये कर दूंगा आपको। छी, तू तो धोता भी नहीं साले। अरे मेरा मतलब वो नहीं, गाड़ दूंगा गाड़ गाड़। अबे ओ, औकात से ज्यादा नहीं बोल रहा अब तू। इससे बढ़िया तो मैं सुसाइड ही कर लेता हूँ, ना गर्लफ्रेंड को मतलब है ना दोस्त को। अबे तू पागल हो गया क्या? सुसाइड करके तुझे तो सुकून मिल जाएगा, लेकिन तेरे घर वालों का क्या होगा? उनके लिए तो परेशानी बढ़ जाएगी ना। और वैसे भी लाइफ में लड़की बस ट्रेन के पीछे नहीं भागनी चाहिए। अबे एक जाएगी दूसरी आएगी, पैसे के पीछे बात कोई कमी नहीं होगी तुझे। अब तुम सलमान खान क्यों बन रहे हो? अबे तो और क्या बोलूं, मेरी बंदी खुद तो मुझे रिप्लाई करने की, उससे टाइम मांगो तो बहाने दे रही है, और गुस्सा कर दो ना तो कहती तुम मुझे समझते नहीं हो। अबे जिस बंदी के पास पूरे दिन भर मेरे को रिप्लाई करने का टाइम नहीं होता ना, वो भी चार चार पेज के लंबे इमोशनल मैसेज करना शुरू कर देती है। और उसके बाद अपनी सैलरी पर रखो एक साइड, उसे जाके मनाओ, उसे सॉरी बोलो, और इतना ही नहीं उसके बाद सुनो कि तुम मुझे समझते नहीं हो, मेरे को दुनिया भर के काम होते, पेरेंट्स साथ में होते। अबे ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जो इनको रिप्लाई करने के लिए दो मिनट भी निकल रहे हैं? मुझे तो लग रहा है इन्होंने ये लॉकडाउन में लोगों के घर घर जाकर सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। अबे काम हमें नहीं होते क्या? लेकिन हम सबको देखकर छोड़ के उन्हें सबसे पहले रिप्लाई करते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमें तो स्पेशल फील करवाना है। अबे स्पेशल फील करवाने के चक्कर में इंस्टेंट रिप्लाई कर करके अपनी खुद की इज्जत खत्म कर ली हमने। और ऊपर से नहीं लगता कि ये तो दुनिया का सबसे बड़ा वेला इंसान है, इसे तो जब मैसेज करो फ्री बैठा है आके तुरंत रिप्लाई करेगा। अबे जब तक ऐसे इंस्टेंट रिप्लाई करते रहेंगे ना डेस्परेट होकर एक एक मिनट में रिप्लाई, तब तक कोई इज्जत नहीं होगी, कुत्तों की तरह ट्रीट करेंगे हमको। अबे इन्हें वो लड़के पसंद आते जो इनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, जो इन्हें ग्रांटेड लेते हैं। अब हम उन्हें प्यार कर रहे, रिस्पेक्ट दे रहे, टाइम दे रहे ना, तो हम कुत्ते हो गए, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। जिनको लड़की की कदर नहीं होती ना, लड़की सिर्फ उसी की कदर करती है। और अब तुझे लग रहा भाई तो फटू है, मुझसे कह रहा है। अब उससे भी कई बार बोला है, लेकिन फिर प्यार दे बाबू सोना और निकल जाता हूँ। और तुम मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई कुछ बता दो जो रिप्लाई कर दे। अबे लड़कियों को तो भगवान भी आ जाए ना, वो भी नहीं समझ सकता मैं क्या चीज हूँ, एक तुच्छ आशिक। भाई यार आज तो मुझसे भी ज्यादा लगी पड़ी। आप इधर मेरी राह रखो ना, मिलते मिलते कृपया। लड़की से निवेदन है कि बॉयफ्रेंड ना बनाए, और अगर बनाना है तो उन्हें टाइम भी दो। और वैसे भी लॉकडाउन लगा पड़ा है, ना उनके पास पीने को दारू है ना कुछ है, तो आप ही उनका सहारा भी सपोर्ट है। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।